तुमको कैसे पता कि वो चुड़ैल है ये? भैया जी वालोंडिया ना चुड़ैल जैसी हरकतें कर रही। हाँ कलम ने वाकू ना पेड़ पे उल्टो भाई लटको देखो तो। और तरवाजी आज तो गजब है गो, आज तो वाकू हमने ना उल्टो उल्टो चल तो बहु देखो। उल्टू चल तो नहीं ठीक है। फाड़ देंगे डॉक्टर साहब। नाक में क्या देख रहे हैं? अभी चेकअप कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अरे बाबा डॉक्टर साहब ये तो बताइए कि विभू को आखिर हुआ क्या है? भाभी जी विभूति भैया पे तो किसी बड़ी शैतानी शक्ति का साया है। क्या शैतान का साया है मुझ पर? रिलैक्स रिलैक्स विभू रिलैक्स, इसीलिए तो डॉक्टर साहब को बुलाया है कि तुम्हारे सर से ये व्याधा उतर जाए। डॉक्टर साहब देखिए आप तो तंत्र मंत्र की विद्या के माहिर हैं, कुछ कीजिए ना विभू का। भाभी जी आप चिंता मत करिए, विभूति भैया को मैं ऐसा मंत्र फूका हुआ ताबीज दूंगा ना कि शैतान इनके शरीर से ऐसे भागेगा जैसे कि आजकल यूपी में मनचले आशिक खूबसूरत लड़कियों को देखकर भागते हैं ना, वैसे ही इनके शरीर से शैतान भाग जाएगा। चिंता मत करिए। ताबीज दीजिए फटाफट, ताबीज दीजिए फटाफट, कम ऑन। ओके ये पहन लीजिए आप। शैतान भाग गया ना? चलिए गुड गुड। अरे कब कब भाग गया? वो देखिए वो देखिए वो देखिए शैतान जा रहा है, वो जा रहा है। भाभी जी घर पर है? आइए आइए तिवारी जी आइए। शैतान भागा नहीं है, शैतान तो आ गया है। ये बड़ा वाला है। अरे डॉक्टर साहब आए, सब खैरियत से तो है ना भाभी जी? अरे हाँ हाँ तिवारी जी, वो एक्चुअली डॉक्टर साहब को मैंने विभू के लिए बुलाया था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, इनके अंदर वो छटंकी का भूत घुस गया है ना। हाँ डॉक्टर साहब जरा निकालिए इनके अंदर से छटंकी का भूत, बहुत परेशान कर रखा साल है ने। तो फिर आ गया लीचड़ आदमी। अरे तेरा ये क्या क्या बकवास कर रहे हैं भभूति जी आप? अब हम भभूति नहीं हैं, हम छटंकी हो छटंकी। तो हम का भगाएगा, तू हमका अंगूरा से अलग करेगा, हम थोड़ा बॉडी थोड़ा जान अलग कर दे। हम तुमको छोड़ा ही नहीं। अखेर छोड़ो, हम तुमको दूसरा एक ठो और भैंसिया वाला किस्सा सुनाते हैं। अरे यार भाभी जी के लंबे लंबे और बोरिंग किस्से शुरू होने वाले हैं। विभूति कम बैक। हम दोनों बैठ कर भैंसिया की पीठ पर बैठ कर नहीं जा रहे थे जब मेले में छटंकी याद आया कि नहीं? हेलो भाभी जी, हेलो हाय। छटंकी गया का? छटंकी आया था क्या भाभी जी? वाज ही हियर? कहाँ? आपके अंदर घुसा था ना अभी, हमसे बहुत सारी बातें कर रहा था। okay, okay, बचपन की यादें ताजा कर रहे थे हम उनके साथ। कितना मजा आ रहा था। एक्चुअली हम आपको सुनाते हैं हमरा और भैंसिया वाला किस्सा छटंकी। अभी जी प्लीज, आपके छटंकी के पास टाइम होगा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। I have loads of work to do, right? Catch you later. ये तो नल्ले हैं, इनके पास काम कहाँ से आया? भैया हमने जो देखो है ना, अगर आप भी वो देख लो ना तो आपके गुर्दे ना पिचक जाएं। मैं वही तो पूछ रहे हैं, ऐसा क्या देख लिया तुम लोगों ने? भैया जी हमने चुड़ैल देख ली। वो हेतरा में ना वाकी लोंडिया है ना जो अनोखी, वह चुड़ैल बन गई। अभी तो ऐसा क्या कांड कर दिया इस बार उसने? भैया जी हम ना अपने घर की तरफ लौट रहे थे और जैसे ही हम घर के सामने पहुंचे ना तो कोई अचानक से हमारे सामने कूद गो
और हमारे गुर्दे सुखड़ गए। भैया वनों की अति और कूद के हम दोनों के सामने से कुलाबाजिया कलाबाजिया करती हुई चली गई। भैया भैया डर के मारे मैं और मलखान है ना हम दोनों की घिघी बन गई। भैया हम घर ना जाएंगे, हम तो यहीं पे रहेंगे भैया, हमारा तो यहीं पे इंतजाम कर दो भैया, थोड़ी सी पिला दो भैया। थैंक यू भैया, मिले मखान। अरे भैया तिवारी यार, जो कॉलोनी में हो कर रहा हूँ जो क्या क्या हो क्या गया दरोगा जी? अरे क्या बताएं भैया तिवारी, हम ड्यूटी के बाद स्कूटर से जा रहे थे, अचानक से लगते से वो हेतराम की लौंडी ऐसे गिरी के हम घबरा गए हम यार। और फिर उल्टी चल के से गई और पीपल के पेड़ पे उल्टी जाके ऐसे लटक गई यार। बाबू तो तिवारी कलेजा मुंह को आ गो, ना छोड़ेगी हमको, जान ले का मानेगी। उड़ बैठी हलवैया दो कनिया आए, भीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, भीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। या बेबी तुम विभुओं की छटंकी हो। Course, baby. मैं विभू ही हूँ। किसी और की मजा ले तुम्हें बीबी बोलते, मुंह तोड़ दूंगा उसका। तुम्हें तो यार किसको खिसक गया। क्या सोच रहे हो? यार मैं सोच रहा हूँ, छटंकी मुझ में आता है तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे कुछ मालूम ही होता क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना? होता है जब लोगों को पागलपन के दौरे पड़ते हैं ना तो उन्हें होश नहीं रहता। You trying to say कि मुझे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं? मुझे तो पूरा इस बात पे यकीन है कि तुम्हें बेरोजगारी के फ्रस्ट्रेशन की वजह से पागलपन के दौरे बढ़ते हैं, तुम्हारे दिमाग का बैलेंस बिगड़ गया है, इसीलिए कहा था नौकरी कर लो। बेबी तुम कैसी बातें कर रही हो यार, ये पागलपन का दौरा कैसे हो सकता है? देखो छटंकी जो बातें कह रहा है खुलेआम कह रहा है, और भाभी जी उन बातों को मान रही है, तस्दीक कर रही है, पुष्टि कर रही है, उसके बावजूद तुम्हें लग रहा है कि मुझ पर पागलपन का दौरा पड़ रहा है। अंगूरी जी की बात छोड़ो, अंगूरी जी सीधी है, उन्हें कल को कोई ये कहेगा ना कि भैंस की 5 टांगे होती हैं तो वो इस बात पे भी यकीन कर लेंगे। मैं उनके जैसी सीधी नहीं हूँ। हाँ तुम बहुत सियानी हो। क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ नेक्स्ट टाइम जब मुझ में वो आया ना छटंकी, तो तुम ना वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना। आई वांट टू सी कि मैं कैसा लगता हूँ व्हाइल छटंकी इज इन मी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने लखनऊ के वो बड़े मनोचिकित्सक का नाम सुना है, डॉक्टर मनहरण शर्मा? मैंने उनको फोन लगा दिया है, अब वहीं आएंगे, तुम्हें देखेंगे, शॉक वॉक देंगे या 10-11 इंजेक्शन लगाएंगे, न जाने क्या करेंगे, अब वही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। विभूति का फोन? क्या बात है? बोल विभूति, क्यों फोन किया है? यार प्रेम, मैं ना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ यार। अबे साले, ये कोई न्यू बात थोड़ी ना है तेरे लिए, तू तो हमेशा ही मुसीबत में फंस जाता है। अब ये बता, आज क्या मुसीबत में फंस गया है? मैं तुझे फोन में नहीं बताऊंगा, अब तू मेरा छोटा सा काम कर दे बस, प्लीज। देख यार, ये तू पैसे वैसे मत मांगना यार। तुझे भिखारी लगता हूँ क्या? मैंने पैसों के लिए फोन नहीं किया। तो फिर किस लिए फोन किया है? यार देख, एक्चुअली क्या है ना कि तू एक काम कर, तू चला जा कानपुर रेलवे स्टेशन। अबे ओ विभूति, मैं कानपुर स्टेशन पर ही खड़ा हूँ। वो क्या है ना, गुलफाम कली लखनऊ से एक प्रोग्राम करके आ रही है। मैं तुमसे कोई दूर कर ही नहीं सकता, छटंकी या पटंकी। कमान गिव मी आ, कमान कमान। बाबू क्या